हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, जिसे प्रथम विश्व युद्ध या महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, यूरोप में शुरू हुआ एक वैश्विक युद्ध था जो डैश तक चला था। मतलब कब से कब तक चला था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1914 से 1918 तक। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, जिसे प्रथम विश्व युद्ध या महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, यूरोप में शुरू हुआ एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। समसामयिकी रूप से इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के रूप में भी वर्णित किया गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सारा जेवो में आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या जो हुई थी, यही तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष कारण या तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को सारा जेवो में आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या थी। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि कई कारकों ने महान शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदता में योगदान दिया, जिन्होंने इस तरह के युद्ध की अनुमति दी। कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे तात्कालिक कारण या प्रत्यक्ष कारण पूछा जाए तो वो 28 जून 1914 को जो हत्या की गई है आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की, इसके कारण ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, किस जर्मन हमले के कारण ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम पर हमला। देखिए, बेल्जियम पर जब हमला हुआ तब ब्रिटेन शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए, बेल्जियम पर हमले ने ब्रिटेन को युद्ध के लिए उकसाया, क्योंकि बेल्जियम एक तटस्थ या न्यूट्रल देश था और उसके आक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया था। ब्रिटेन ने पहले बेल्जियम की जो न्यूट्रल है या तटस्थता है उसकी गारंटी दी थी, इसलिए जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो इसे ब्रिटिश सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा गया। बेल्जियम की तटस्थता के इस उल्लंघन और ब्रिटेन के अपने सुरक्षा हितों के लिए संभावित खतरे ने ब्रिटेन को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के लिए मजबूर किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1914 में कौन सा देश ट्रिपल एंटेंट में नहीं था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इटली। ठीक है, 1914 में जो ट्रिपल एंटेंट बना था उसमें इटली शामिल नहीं था। देखिए, आपको याद रखना है कि ट्रिपल एंटेंट में कौन कौन से देश थे, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, जबकि ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। 1914 में ट्रिपल अलायंस में कौन से देश शामिल थे, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सभी ट्रिपल अलायंस में शामिल देश थे 1914 में। देखिए, ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंट में कौन कौन से कंट्री शामिल है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था या कितने देश शामिल थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 37। ठीक है, 37 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था प्रथम विश्व युद्ध में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश शामिल थे। यह 37 देशों को शामिल करते हुए एक बड़े युद्ध में बदल गया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इन देशों ने केंद्रीय शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया शामिल थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 37 देश इसमें शामिल थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज इसे अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके कारण ही चैनल ग्रो कर पाएगा, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की सबसे घातक लड़ाई कौन सी थी? बहुत पूछा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ए, सोम्मे की लड़ाई। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की सबसे घातक लड़ाई कौन सी थी? तो सोम्मे की लड़ाई,
सोम्य की लड़ाई, जिसे सोम्य आक्रमक के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी तृतीय गणराज्य की सेनाओं द्वारा लड़ी गई प्रथम विश्व युद्ध की एक प्रमुख लड़ाई थी जर्मन साम्राज्य के विरुद्ध। यहाँ 1 जुलाई से 18 नवंबर 2016 के बीच फ्रांस में सोम्य नदी के ऊपरी हिस्से के दोनों किनारे पर हुआ था। लड़ाई का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की जीत में तेजी लाना था। इस लड़ाई में 3 मिलियन से अधिक लोग लड़े, जिनमें से 10 लाख से अधिक या तो घायल हो गए या मारे गए, जिससे यह पूरे मानव इतिहास में सबसे घातक लड़ाइयों में से एक बन गई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोम्य की लड़ाई आपको याद रखना है, 1916 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध की पहली ब्रिटिश लड़ाई कौन सी थी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मॉन्स की लड़ाई। कौन सी लड़ाई है ये? मॉन्स की लड़ाई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मॉन्स की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश अभियान बल की पहली बड़ी कार्रवाई थी। यह फ्रंटियर्स की लड़ाई की एक सहायक कार्रवाई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र फ्रांसीसी सीमाओं पर जर्मनी के साथ भिड़ गए थे। तो आपको याद रखना है कि मॉन्स की लड़ाई किसके साथ हुई है, तो फ्रांसीसी और जर्मनी, ये सेनाएं आपस में भिड़ गई थी, यही हुई थी मॉन्स की लड़ाई। प्रथम विश्व युद्ध को दूसरा नाम क्या दिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर हो जाएगा ए, महान युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध को आम तौर पर महान युद्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पहला वैश्विक संघर्ष था जिसमें कई देश शामिल थे और इसका दुनिया पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। द ग्रेट वॉर नामक संघर्ष के पैमाने और महत्व को दर्शाता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग हताहत हुए और भू राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। वह कौन सा राष्ट्र था जिसने सबसे पहले युद्ध की घोषणा की और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की? कौन सा राष्ट्र था वो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी वो पहले राष्ट्र थे जिनने प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा की थी। देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी सही उत्तर है, क्योंकि यह वह देश है जिसने युद्ध की पहली घोषणा की थी। यह प्रथम विश्व युद्ध के फैलने को संदर्भित करता है, जहां ऑस्ट्रिया हंगरी ने आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या के बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की थी। इस घटना के कारण अंततः विभिन्न देशों द्वारा युद्ध की घोषणाओं की श्रृंखला शुरू हो गई और संघर्ष वैश्विक युद्ध में बदल गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया हंगरी जिनने स्टार्ट करा था प्रथम विश्व युद्ध। अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी जर्मनी द्वारा अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध और जिमरमैन टेलीग्राम, ये दोनों ही कारण के कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। देखिए, अमेरिका के यहाँ पे देखिए अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने का मुख्य कारण जर्मनी और जिमरमैन टेलीग्राम दोनों द्वारा अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध था। अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध जर्मनी की तटस्थ जहाजों सहित किसी भी जहाज को बिना किसी चेतावनी के डुबाने की नीति को संदर्भित करता है। इस नीति ने अमेरिका को बहुत क्रोधित किया, जिससे वे युद्ध में शामिल हो गए। जिमरमैन टेलीग्राम जर्मनी द्वारा मैक्सिको को भेजा गया एक गुप्त संदेश था, जिसमें अमेरिका के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव था। जब इस टेलीग्राम को ब्रिटिशों द्वारा इंटरसेप्ट और डिकोड किया गया, तो इसने अमेरिका में जर्मन विरोधी भावना को और भड़का दिया और युद्ध में प्रवेश के उनके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये दो महत्वपूर्ण रीजन थे जिसके कारण अमेरिका शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। ये आपको याद रखना है कि अगर आपका मेंस वाला अगर आंसर लिखना हो आपको, तो ये आप जरूर मेंशन करना। निम्न में से क्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 100 साल का युद्ध। ठीक है, जो 100 साल का युद्ध है, ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था। देखिए, 100 साल का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक संघर्ष था जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से बहुत पहले 1337 से 1453 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद जैसे कारकों के कारण हुआ था। सैन्यवाद और यूरोपीय शक्तियों के बीच गठबंधन का एक जटिल जाल था ये, है ना। 100 साल का युद्ध हालांकि यूरोपीय इतिहास में महत्वपूर्ण था, उसने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों या घटना में सीधे तौर पर योगदान नहीं दिया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 साल का युद्ध। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1917 में। अमेरिका ने 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। देखिए, 1917 में
जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए युद्ध क्षेत्र के जाल में अप्रतिबंधित युद्ध फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी लाइनर हाउस टॉनिक एक जर्मन यूबोट द्वारा डूब गया। तो ऐसे कई सारे रीजन के कारण 1917 में क्या किया गया, अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेगा। इनमें से कौन सी प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख लड़ाई नहीं थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंटी एटम की लड़ाई। ये प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख लड़ाई नहीं थी। देखिए, एंटी एटम की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि यह वास्तव में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नहीं हुई। यह लड़ाई 17 सितंबर 1862 को मैरीलैंड अमेरिका में हुई थी और यह युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। गृह युद्ध यह जनरल रॉबर्ट ई ली के नेतृत्व वाली उत्तरी वर्जीनिया की संघीय सेना और जनरल जॉर्ज मैकलेनन के नेतृत्व वाली पोटोमैक की केंद्रीय सेना के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ और सामरिक बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन इससे संघ को रणनीतिक लाभ और उनका मनोबल बढ़ा था। तो एंटी एटम की लड़ाई जो है वो अमेरिकी गृह युद्ध से संबंधित है, इसका प्रथम विश्व युद्ध से कोई संबंध नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही आंसर हो जाएगा सी, 1914 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। बेल्जियम के बंदरगाह ब्रिटिश तट के करीब थे और बेल्जियम पर जर्मन नियंत्रण को ब्रिटेन के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा जाता था। अंत में ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 की घटनाओं को नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया जब जर्मनी ने बेल्जियम के माध्यम से फ्रांस पर हमला किया। कुछ ही घंटों में ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, रूस। जो रशिया था ये केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था, मतलब सेंट्रल अलायंस था जो, उसका हिस्सा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में देशों के दो प्रमुख गठबंधनों के बीच लड़ा गया था, मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच गठबंधन के रूप में शुरू हुई, बाद में ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा बन गए थे। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सी, परमाणु बम का, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का उपयोग एक तकनीक के रूप में नहीं किया गया। परमाणु बम का विकास और उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, विशेष रूप से 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के दौरान। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पनडुब्बियों, टैंकों, हवाई जहाजों जैसी अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन परमाणु बम का नहीं किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का एक अन्य नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा सी, सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध को हम और किस नाम से जानते हैं, तो सभी युद्धों को समाप्त करने वाले युद्ध के रूप में। प्रथम विश्व युद्ध को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अन्य नामों में द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी द वॉर ऑल ऑफ द नेशन, वर्ल्ड वॉर वन, द ग्रेट वॉर शामिल है। जर्मन पनडुब्बी द्वारा 128 अमेरिकियों के मारे जाने के बाद अमेरिकी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए थे। तो इसके कई सारे नाम है जो आपको याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1915 में। आपको याद रखना है, पूछा जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ये सब कब शामिल हुए, किस ईयर में शामिल हुए प्रथम विश्व युद्ध में। तो इटली पूछा जाए तो 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करते हुए ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध की घोषणा की थी। तो कब की है, 1915 में, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश ने विश्व का नेतृत्व खो दिया, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में विश्व का नेतृत्व खो दिया था। जर्मन साम्राज्य युद्ध हारने वाली केंद्रीय शक्तियों में से एक था। इसने अपने सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद संघर्ष में भागीदारी शुरू की थी और सबसे ज्यादा नुकसान प्रथम विश्व युद्ध में अगर किसी को हुआ है तो वो जर्मनी को ही हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए।
रोमानिया प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी 1916। ठीक है, रोमानिया प्रथम विश्व युद्ध में 1916 में शामिल हुआ था। देखिए, देश 1883 और 1914 के बीच ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, यानी कि रोमानिया, शुरुआत में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी, जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियां संचालित हुई, लेकिन इसने पाला बदल लिया 1916 में और एंटेंट के सदस्य बन गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पहले किसका सदस्य था, अलायंस का सदस्य था, बाद में ये ट्रिपल एंटेंट का सदस्य बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस का नेता कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा बी जॉर्जेस क्लेमेंशियो, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस का नेता था। देखिए, जॉर्जेस क्लेमेंशियो, उपनाम द टाइगर, फ्रेंच ले टाइग्रे, 28 सितंबर 1841, मॉइल रॉन ए पेरेडस, फ्रांस, मतलब इनकी मृत्यु, इनके बारे में पूरा ये दिया हुआ है। राजनेता और पत्रकार थे जो एक प्रमुख व्यक्ति थे फ्रांसीसी तृतीय गणराज, और प्रमुख के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत में एक प्रमुख योगदानकर्ता, और युद्ध उपरांत वर्साई की संधि का निर्माता, ये इन्हें माना जाता है। तो आपको याद रखना है, क्लेमेंशियो का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया एग्जाम में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में अमेरिकी सेना का कमांडर कौन था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी जॉन जे पर्शिंग। जॉन जे पर्शिंग का नाम आपको याद रखना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप प्लीज सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। देखिए, अमेरिकी अभियान बल प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर संयुक्त राज्य सेना का गठन था। AEF की स्थापना 5 जुलाई 1917 को फ्रांस में कमांड के तहत की गई जनरल जॉर्ज पर्सिंग की, है ना, किसकी कमांड के तहत की गई, तो जनरल जॉर्ज जे पर्सिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का राजा कौन था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी जॉर्ज पंचम, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम 6 मई 1910 से 1936 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश डोमिनियन के राजा और भारत के सम्राट थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का नेता कौन था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी विलहेम द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता था विलहेम द्वितीय। ठीक है, अंतिम जर्मन सम्राट और प्रशिया के राजा थे, जिन्होंने 15 जून 1888 से 1889 तक, है ना, यहाँ पे 1889 तक जर्मन साम्राज्य और प्रशिया साम्राज्य पर शासन किया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध ने नई में नई तकनीक क्या थी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी कि मशीन गन और टैंक। तो प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीक के रूप में मशीन गन और टैंक का यूज किया गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध पर प्रौद्योगिकी का प्रमुख प्रभाव यह था कि इसने पैदल सेना के सैनिकों के लिए युद्ध को और अधिक कठिन बना दिया था, जिन्होंने अधिकांश लड़ाई लड़ी थी। मशीन गन और टैंक नई प्रौद्योगिकी थी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को सबसे अधिक प्रभावित किया। मशीन गन ने युद्ध को लंबा खींच दिया और इसे एक भीषण युद्ध बनने पर मजबूर कर दिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नो मैंस लैंड, इसे कहा जाता था नो मैंस लैंड। देखिए, युद्ध की शुरुआत में खाई रेखाओं के बीच के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाले शब्दों में खाइयों के बीच या रेखाओं के बीच शामिल थे। नो मैंस लैंड शब्द का प्रयोग पहली बार सैन्य संदर्भ में सैनिक और इतिहासकार अर्नेस्ट स्वीटन ने अपनी लघु कहानी द पॉइंट ऑफ व्यू में किया था। तो खाइयों का या रेखाओं का जो बीच का समूह है उसे क्या नाम दिया गया था, नो मैंस लैंड के नाम उसको दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध किसने जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी मित्र शक्तियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जीता गया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजेता बने। मुख्य देश जो मित्र शक्तियों का हिस्सा थे वे थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। युद्ध की शुरुआत में रूस मित्र देशों का हिस्सा था, लेकिन रूसी क्रांति के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन जीता था, मित्र राष्ट्र जीता था प्रथम विश्व युद्ध को। नवंबर को सबसे पहले कौन सा अवकाश मनाया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए युद्ध विराम दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता था, युद्ध विराम दिवस के रूप में मनाया जाता था।
देखिए, युद्ध विराम दिवस मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित युद्ध विराम की याद दिलाता है, जिसने 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कर दिया था। यहाँ शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित करने का दिन था और बाद में सभी दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए इसका विस्तार किया गया। 1954 में सभी सैन्य दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध विराम दिवस का नाम बदलकर वयोवृद्ध दिवस कर दिया गया। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 16 मिलियन लोग प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध मानव जाति के इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसने 16 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। युद्ध में लगभग 7 मिलियन नागरिक और 10 मिलियन सैन्यकर्मी मारे गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मारने की लड़ाई। ठीक है, मारने की लड़ाई जो थी, ये प्रथम विश्व युद्ध की पहली लड़ाई थी। देखिए, मारने की पहली लड़ाई 5 से 12 सितंबर 1914 तक लड़ी गई। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई थी। जर्मन सेना ने पेरिस पर कब्जा करके और फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना को नष्ट करके 40 दिनों में युद्ध जीतने की योजना के साथ फ्रांस पर आक्रमण किया। अगस्त में जर्मनों को प्रारंभिक सफलताएं मिली। वे मॉन्स और फ्रंटियर की लड़ाई में विजय रहे और उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, परंतु इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम में जर्मन सेनाओं के खिलाफ मित्र देशों की जीत हुई थी। तो मारने की पहली लड़ाई जो है, ये पूछी जाती है, आपको ये याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया? ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। देखिए, एक क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया, कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो समूह, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में विभाजित हो गया। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने भी किया। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। तो इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। बर्दुन की लड़ाई कब शुरू हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1916। बर्दुन की लड़ाई कब शुरू हुई? 1916 में शुरू हुई थी। देखिए, जो बर्दुन की लड़ाई है, ये मानव इतिहास की सबसे घातक और सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक थी और यह 21 फरवरी 1916 से 18 दिसंबर 1916 तक फ्रांसीसी और जर्मन सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बर्दुन की लड़ाई कब हुई है? तो 1916 आपको याद रखना है, और किसके बीच हुई है? तो फ्रांसीसी और जर्मन की सेनाओं के बीच हुई है। 1914 में किस छुट्टी ने ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच 2 दिनों के लिए अनौपचारिक युद्ध विराम को प्रेरित किया? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, क्रिसमस। ठीक है, 1914 में क्रिसमस की जो छुट्टी थी। देखिए, क्रिसमस ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच व्यापक अनौपचारिक युद्ध विराम की एक लहर थी, जो 24 दिसंबर और 26 दिसंबर 1914 को आयोजित की गई थी। पुरुष नो मैंस लैंड में मिले, फुटबॉल खेला, छोटे उपहारों का आदान प्रदान किया, कैरोल गाए और क्रिसमस ट्री लगाए। 26 दिसंबर को लड़ाई फिर से शुरू हुई। मतलब 2 दिन का गैप मिला था किसके लिए? क्रिसमस के लिए 2 दिन का गैप दिया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉयड जॉर्ज के द्वारा इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया गया था। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लॉयड जॉर्ज ने पेरिस शांति सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। पेरिस शांति सम्मेलन जनवरी 1919 में पेरिस के ठीक बाहर वर्साय में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी। बैठक का उद्देश्य विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तें स्थापित करना था। हालांकि लगभग 30 देशों ने भाग लिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली के प्रतिनिधि को बिग 4 के रूप में जाना जाने लगा। देखिए, बिग 4 भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्साय की संधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिग 4 में कौन कौन शामिल है? तो ब्रिटेन के लॉयड जॉर्ज, इटली के विटोरियो इमैनुअल ऑरलेंडो, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंशियो और अमेरिका के वुड्रो विल्सन। वर्साय की संधि में राष्ट्र संघ बनाने की योजना शामिल थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच और एक अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के रूप में काम करती। ठीक है, तो ये काम करने के लिए एक राष्ट्र संघ का निर्माण करने का बोला गया था। तो ये चारों ही नाम जो अलग अलग कंट्री के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है।
1916 में किस राष्ट्र ने मित्र शक्तियों का पक्ष लिया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, रोमानिया। ठीक है, 1916 में रोमानिया ने मित्र शक्तियों का पक्ष लिया। देखिए, रोमानिया 1916 में मित्र शक्तियों का पक्ष लेते हुए युद्ध में शामिल हुआ। यह निर्णय रोमानिया की क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ऑस्ट्रिया हंगरी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की उसकी इच्छा से प्रभावित था। इसके अतिरिक्त रोमानिया ने 1916 में मित्र राष्ट्रों के साथ एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें क्षेत्रीय लाभ और सैन्य समर्थन का वादा किया गया था। युद्ध में शामिल होकर रोमानिया का लक्ष्य अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करना था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्नलिखित में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, बुड्रो विल्सन। आपको बिल्कुल बुड्रो विल्सन का नाम याद रखना है। देखिए, बुड्रो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। वह एक अमेरिकी विद्वान और राजनेता थे। उन्हें उनकी विधायी उपलब्धियां और उच्च विचार वाले आदर्शवाद के लिए याद किया जाता है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश का नेतृत्व किया। वह राष्ट्र संघ के निर्माता और अग्रणी वकील बने। इसके लिए उन्होंने 1919 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र तटस्थ या न्यूट्रल रहा? कौन न्यूट्रल रहा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नॉर्वे, डेनमार्क, मैक्सिको। ये किसी की तरफ नहीं बोले, ये न्यूट्रल रहे। तो प्रथम विश्व युद्ध में न्यूट्रल रहने वाले कुछ देश यूरोप में हैं: नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और स्पेन। दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको, चिली, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्री वो है जो किसी की तरफ नहीं बोली और ये कैसी रही? न्यूट्रल रही। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मन सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, 7 दिसंबर 1917। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है क्योंकि डेट पूरी पूछ ली जाती है। अमेरिकी सीनेट ने 4 अप्रैल 1917 को जर्मनी पर युद्ध घोषित करने के उपाय के समर्थन में मतदान किया। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 दिसंबर 1917 को जर्मन सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी पर युद्ध की घोषणा की थी। अब बारी है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की। राष्ट्र संघ डैश में अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 10 जनवरी 1920। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है 10 जनवरी 1920। देखिए, राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को संघर्ष से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई लोगों का मानना था कि एक ऐसा संगठन दुनिया को युद्ध से बचाने में मदद करेगा। परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा की गई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। लीग 1920 में स्थापित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय जिनेवा में था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, भविष्य में युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटाना और सदस्य देशों में मजदूरों की स्थिति में सुधार करना था। लेकिन दुर्भाग्य से ये लीग युद्ध और संघर्ष को रोकने में विफल रही, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी वो ये काम नहीं कर पाई। राष्ट्र संघ जो 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।